जयपुर मोबाइल शोरूम में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सिंह थिर ने किया खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार। देश भर में 100 से अधिक वारदातों का हुआ खुलासा। इसमें और भी लोग गिरफ्तार करना बाकी है। साथ साथ अभी तक हमने इनको इनके कब्जे से करीब 1 लाख की वैल्यू की मोबाइल रिकवर किया। नकबजनी की वारदातें करते हैं, इसमें कम से कम अभी तक की जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा वारदातें करना इन्होंने स्वीकार किया है। इसमें आज की तारीख में कम से कम 40 वारदातों में वांछित चल रहे हैं। क्या सर इनको जो गोडासन जिला मोतिहारी बिहार का रहने वाला है, ऑलमोस्ट नेपाल की सीमा से बहुत नजदीक है, मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूरी पे है सीमावर्ती थाना, और वहाँ का रहने वाला है। उसके साथ बहुत सारे लोग 10 से 15 की संख्या में लोग साथ आते हैं, कभी कभी लोग चेंज हो जाते हैं। ये लोग पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से श्रीनगर से लेके तमिलनाडु तक अलग अलग जगहों पर वारदातें करते हैं, चोरी करने की वारदात हुई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज जो कुछ एक इमेजेस रिकवर किए थे, उसके साथ साथ जो तरीका वारदात और पहले चालानशुदा मुलजिम है, उन सबकी डिटेल निकालने के बाद पता लगा कि ये कोई कुख्यात शटर कटुआ गैंग है। तो शटर कटुआ गैंग के नाम से जाना जाता है, ये गैंग है। एक दुकान हुई थी, इसमें सवेरे रात्रि गश्त संपन्न होने के बाद जो कमजोर टाइम रहता 5-5:30 बजे के बाद, उस वक्त दोनों जगह एक के बाद एक दिन लगातार 2 दिन में वारदातें हुई थी। दोनों में तरीका भी एक था, शटर निकाल के आगे करके बहुत कम गैप में कुछ लड़के अंदर गए थे।